अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न प्लम्बिंग बाय ए के। ओके तो जनाबे वाला, आज ये जो है ना पूरे बात की फिटिंग है, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा पॉइंट हमारे यहाँ तो काम होता है, ठीक है, सेंटियों पे, इंचियों पे और फुट पे होता है, यानी सेंटीज, एंचीज, एंचज और फुट, ठीक है। तो आउट ऑफ कंट्री क्या होता है उसका मुझे नहीं पता, ये पेमाइश देख ले, ठीक है। इस ये तकरीबन 7 पे है टोटल, इसकी साइडें जो है ना, साइडें तकरीबन 7 पे है, ठीक हो गया। तो जनाब आपने जब पे इसकी पैमाइश लेनी है, आपने ये जो साइडें हैं ना इनकी पैमाइश लेनी है, ठीक है। यहाँ से ले के यहाँ तक ये जो है ना, ये पूरे 7 पे होना चाहिए, 7 इंच पे टोटल, ठीक है। अगर तो आपने इनका, चले वो बाकी छोड़ें, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए ये कि आपने शावर जो है ना, ये शावर का पॉइंट है। तो ये टोटल जो है ना, इसकी जो साइडें हैं वो 7 इंच में कवर होता है। ये आपका मिक्सचर लगेगा, वरना मिक्सचर लगाने में बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज़्यादा क्लोज हो तो भी, अगर वाया ज़्यादा हो तो भी, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आगे, असल में ना इसमें सिंगल सीट है, यहाँ पे थोड़ी रोशनी आ रही है, मेरे पास है भी मोबाइल मेरे भाई, मेरे पास लैपटॉप नहीं है और ना ही मुझे कोई इतनी खास एडिटिंग आती है। ये है WC सीट, ठीक है, बिठावी सीट है। ये इसका पॉइंट है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा ऊपर है। ऊपर इसलिए है कि जब आप फ्लैश टैंक लगाते हैं ना इसका, तो भाई उसके साथ अगर पॉइंट नीचे हो तो फिर पाइप थोड़ा लंबा लगाना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं लगता बाद में, ठीक है। तो वो ज़्यादा सूट नहीं करता। अगर आपका पॉइंट ऊपर है, आप इसको 1 फुट भी ऊपर रख सकते हैं, 1.5 फुट भी ऊपर रख सकते हैं। हमने तकरीबन 1 फुट ऊपर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप चाहें तो 1.5 भी रख सकते हैं, लेकिन फुट काफ़ी है बस, ठीक है। तो इसके आगे ये भी तकरीबन 6 इंच, 7 इंच या कम से कम मिनिमम जो है ना दीवार से 4 इंच आगे होना चाहिए, देख रहे हैं आप, कम से कम। ये 7 पे है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसने प्लस्तर होना है, उसके बाद टाइल का काम होना है, तो ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, 6 या 5 तक, 6 या 5.5 तक, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ गया लोटा टूटी, देख रहे हैं आप, दीवार से लेके ना लोटा टूटी जो है ना, ठीक है, जहाँ पे डबल बिब काक लगता है, यानी डबल टूटी लगती है, जब ये तकरीबन आता है 3 फुट पे। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा आगे है, तो 3 फुट पे लोग रखते हैं, तो हमने 3 फुट से तकरीबन 3 इंच ज़्यादा रखा हुआ है। तो भाई ये इसलिए है कि पीछे प्लस्तर होता है, फिर बांड लगता है, बांड के ऊपर टैल लगती है, तो ये 37 या 36 पे आ जाता है, 36 या 37 इंच, लेकिन ये होता है 3 फुट पे, ये तकरीबन 3 फुट पे आ जाता है। तो हमने इसलिए थोड़ा आगे रखा हुआ है, ताकि ना बाद में प्लस्तर होता है, टैल लगती है, तो अपनी जगह पे आ जाता है, आधी इंची या थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 इंच 1.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आगे पीछे। और ये जो आगे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे हमारा बेसन है, तो इसकी भी जो पॉइंट है ना, इनमें तकरीबन 1.5 फुट का वक्फा होना चाहिए, 1.5 फुट ना भी हो तो 14-16 इंच तो भाई होना ही चाहिए, 14 जो है ना वो बाज़ दफ़ा मसला हो जाता है। तो जो बेसन का होता है ना पेडेस्टल, तो अगर उसको थोड़ा आगे पीछे करना हो ना, साइड पे करना हो, जहाँ आपका नीचे वाला ये पॉइंट है जिसमें ओवर पानी जाता है, अगर आप इसको इधर उधर करते हैं, इसके ऊपर पेडेस्टल को फिक्स लाते हैं, तो ये जो आपके पॉइंट है ना, ये बेसन वाले ये पॉइंट, ये फिर उसके पीछे आ जाते हैं। देखा हमने, ये तकरीबन यहाँ पे 14.5 बनता है, अगर साइड, अगर इनकी साइडें ली जाएं तो 16 बन जाता है, ठीक है, 16 इंच, ठीक है, देख लें इधर से भी और इधर से भी 16 इंच, ठीक है। और इसमें कमोडी है, इसमें दूसरी सीट नहीं है, ठीक है, इंग्लिश सीट, और सॉरी कमोड इसमें नहीं है, इसमें WC सीट है, ठीक है, बिठावी सीट है बस। तो अगली वीडियो में आपको ना दूसरी तरफ भी, जहाँ से ठक ठक की आवाज़ नहीं आ रही,
वहाँ से वहाँ पे जाके ना, वहाँ पे डबल काम मतलब डबल सीट है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जाके मज़ीद बताएंगे, ठीक है। वीडियो को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे भाई आप कह रहे होंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा, एडिटिंग नहीं है, पीछे ठक ठक की आवाज़ आ रही है, ये वो। तो मेरे भाई आपने काम सीखना है, ठीक है। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो अगर आपने काम सीखना है तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपने घर का छोटा मोटा तो काम कर ही सकते हैं आप, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बने रहिएगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा काम करूँ ताकि आप लोगों को हर बात की समझ आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। I really will.